सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व में से एक है। शिवरात्रि का मुख्य पर्व साल में दो बार आता है, एक फागुन के महीने में तो दूसरा श्रावण महीने में। फागुन के महीने की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। इसे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि व्रत, पूजा, कथा और उपाय का खास महत्व होता है। इस दिन लोग देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी आस्था से परिपूर्ण महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, इसलिए भक्तगण महाशिवरात्रि के दिन गौरी शंकर की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। भगवती पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की। आपको बताते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिन पर महादेव की असीम कृपा होगी। सबसे पहले है वृषभ राशि। इस राशि के लोगों पर शिव जी की कृपा रहेगी, रुके हुए सभी काम पूरे होंगे, सफलता मिलेगी और आपकी आय के नए स्रोत मिलेंगे। महाशिवरात्रि का दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। दूसरी है मिथुन राशि। इस राशि के लोगों के लिए महाशिवरात्रि आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है, आपको धन वृद्धि और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए महाशिवरात्रि बहुत लाभदायक रहेगी। तीसरी है तुला राशि। इस राशि के लोगों को व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं, बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और चौथी है दोस्तों धनु राशि। धनु राशि के लोग जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अति उत्तम है। इस समय शुरू किए गए हर काम में आपको आगे चलकर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी वो राशियां जिन पर महादेव की अत्यंत कृपा रहेगी। लेकिन अन्य राशि वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये उपाय करें तो इससे भी आप अपनी राशि पर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला उपाय है कि मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर उसमें बेलपत्र डालकर आंख, धतूरे के फूल, चावल डाल दें और इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर आसपास कोई मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और उसका पूजन करें। दूसरा उपाय है कि शिव पुराण का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र को ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। दोस्तों, शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निशीत काल में करना अच्छा माना गया है। हालांकि भक्त रात्रि के चारों पहर में से अपनी सुविधा के अनुसार ये पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से उपाय जिससे आप भी भगवान शिव को अपने ऊपर प्रसन्न करवा सकते हैं।